हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ है और अगर आपका पैन कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच अगर है, तो उसे पांच चीजें कैसे आप अपडेट कर सकते हो अपने पैन कार्ड के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों देखो, एक बार अगर आपका पैन कार्ड बन जाता है तो उस पैन कार्ड को आप दोबारा आप नहीं बनवा सकते, पैन कार्ड के अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। और उसके लिए आप साइबर कैफे अगर आप जाते हो, पांच चीजें अगर आप दोस्तों करेक्शन करवाते हो, पांच चीज के अंदर अपडेट करवाते हो, ठीक करवाते हो, तो दोस्तों साइबर कैफे पे कम से कम आपका 500 से 1000 रुपए वहां पे लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मात्र 108 रुपए के अंदर दोस्तों सब कुछ आप अपना अपडेट कर सकते हो। तो कैसे अपडेट करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से अंत तक। तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं लेके चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो मेरे फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो कि मैं अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां पर आने के बाद आपको यहां पे गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है NSDL, क्योंकि हम NSDL से सब कुछ हम करेक्शन करेंगे। NSDL सर्च मारने के बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा, आपको सेकंड वाला वेबसाइट दिख रहा होगा, आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL का। इस वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है और जैसे ही इस वेबसाइट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे हमें करेक्शन करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है चेंज और करेक्शन वाला ऑप्शन, ठीक है, लास्ट वाला ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल कर देना है और यहाँ पे टाइटल में दोस्तों मिस्टर मिसिस जो भी हो दोस्तों, आप जिसका भी आप करेक्शन कर रहे हो उसका यहाँ पे टाइटल आपको कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है लास्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और आपको डालना है मिडल नेम, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि किसी किसी के आईडी पे दोस्तों सिंगल नेम ही लिखा होता है, तो दोस्तों उसको यहाँ पे जो भी सिंगल नेम होगा वो आपको लास्ट नेम में ही आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको एक डालना है ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको यस कर देना है। पैन कार्ड का नंबर डाल देना जिसका करेक्शन करना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है और यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से सारे डिटेल्स भर के फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सारे डिटेल्स डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टोकन नंबर को दोस्तों आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो या फिर इसका फोटो खींच लेना, क्योंकि ये टोकन नंबर आगे आपको बहुत ही काम आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। और जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सारा फॉर्म खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार फॉर्म भरने हैं जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस होगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये आपको यहाँ पे चारों आपको भरना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है हाउ डू यू वॉन्ट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये आपको टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम स्कैन करके फोटो खींच के उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे कह रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे देखो आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, इसको आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो है लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे डालोगे, उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे EID नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है नेम एज पर आधार कार्ड, मतलब कि दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, जो भी आपका सही नाम है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे पूरा डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड आना है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की साइड यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने डिटेल्स शुरू में आपने भरा था यहाँ पे, वो आपका नाम वगैरह जो है, पैन कार्ड का नंबर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे आपको नीचे शो होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन पर टिक करना है और यहाँ पर आपको सही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जनरल वाला ऑप्शन पर टिक करके मेल फीमेल जो भी आपका जनरल है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर कर लेना है सिलेक्ट। और जनरल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आपका फोटो अगर आपको अपडेट करना है तो आपको फोटो वाला ऑप्शन पे टिक करना है, अगर आपको सिग्नेचर अपडेट करना है तो आपको सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे टिक कर देना है। मतलब कि दोस्तों जो भी चीज़ अगर आपको अपडेट करना है उसके आगे में एक बॉक्स होगा, उसको आपको टिक कर देना है और आपको सही डिटेल्स वहाँ पर डाल देना है, वो आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है फादर नेम, तो फादर नेम का दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम डालना है।
और यहाँ पे आपको डालना है फर्स्ट नेम और आपको मिडल नेम, ठीक है। तो ये आपको डाल देना है फादर नेम का। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मदर नेम, देखो दोस्तों ये ऑप्शनल, अगर आपको डालना तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकती हो। उसके बाद आपके पैन कार्ड पे क्या चाहते हो, किसका नाम आपका प्रिंट हो, क्या है फादर का या फिर मदर का, जो भी नाम दोस्तों आप चाहते हो उसको आप यहाँ पे टिक कर देना और यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही दोस्तों आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, हम चले जाएंगे पर्सनल डिटेल्स में। उसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने पैन कार्ड को अपने घर पे मंगवाना है तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे कर देना है टिक, और इस पर जैसे आप टिक करोगे नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है एड्रेस डालने के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, फ्लैट नंबर, रूम वगैरह, गली नंबर, जो भी आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। तो चलो फटाफट से मैं सारे एड्रेस वगैरह भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, अगर दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो अपडेट कर सकती हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे अपडेट ये नहीं करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरे को अपडेट नहीं करना है, मेरा सब कुछ सही है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री कोड आपको यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ पे आपको कर लेना है इंडिया +91, ये आपको अपना कंट्री कोड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखो आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और नीचे आपको एक ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास कोई दूसरा पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे उस पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी इसको आप इसको जो है नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखो कह रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ में क्या आप लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना आधार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ मैं सर्च करता हूँ आधार, तो ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके अंदर भी मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही अपलोड करूँगा। तो आधार कार्ड मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे कहेगा दोस्तों प्रूफ ऑफ पैन, तो दोस्तों पैन कार्ड का प्रूफ यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप चाहो तो पैन कार्ड की फोटो कॉपी जो है यहाँ अपलोड कर सकते हो, बाकी यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आ गए, डिक्लेरेशन में दोस्तों आपको अपना नाम डालना है, मतलब जिसका भी आप पैन कार्ड जो है करेक्शन कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है हिमसेल्फ हरसेल्फ, ये आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर नाम आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कह रहा है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उतना आप यहाँ पे डाल देना। मैं यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ओनली आधार कार्ड, तो मैंने यहाँ पे वन डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर रखा है, वन डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस में अपना स्टेट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, जो कि दोस्तों 50 KB के अंदर ही आपका ये फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपका फोटो या सिग्नेचर दोस्तों 50 KB से ऊपर का होगा तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का साइज मैंने यहाँ पे 50 KB के अंदर मैंने कर रखा है, तो चलो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है, और ये आपका आधार कार्ड दोस्तों PDF में होना चाहिए, 300 KB के बीच में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट करना है, लेकिन दोस्तों सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक ऊपर आके, और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं आधार कार्ड का नंबर आपको डालना होगा, मतलब आधार कार्ड का जो नंबर है दोस्तों शुरू का जो है 8 डिजिट यहाँ पे आपको डालना होगा, क्योंकि शुरू में हमने दोस्तों आधार कार्ड का लास्ट डिजिट डाला था, लास्ट के 4 डिजिट डालते हैं, अब आपको दोस्तों शुरू का जो है 8 डिजिट यहाँ पे आपको डालना है अपने आधार कार्ड का। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे देखो सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको सब कुछ देख लेना है कि आपका सब कुछ सही तरीके से डला है कि नहीं डला है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, और जैसे आप प्रोसीड करोगे दोस्तों आप पहुँच जाओगे सीधा पेमेंट मेथड में। पेमेंट मेथड में जैसे ही आप पहुंचोगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट मेथड में हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको बीच वाला ऑप्शन आपको करना है सिलेक्ट, जहाँ पे लिखा पड़ा है ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फी इंक्लूडिंग GST, 106 रुपये आपका GST है चार्जेस। तो यहाँ पे आपको नीचे आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन पे टिक करके आपको पेमेंट टू प्रोसीड वाला ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। और जैसे हम यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ये खुलेगा। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है
तो वो आप कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो इसको स्कैन करके पेमेंट करना तो वो आप यहां से कर सकते हो। सबसे इजी रहेगा दोस्तों आपको ये स्कैन करके पेमेंट करने का, क्योंकि यूपीआई में कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट फंसने का डर लगा रहता है। तो हम यहां पे इसको स्कैन करके इसका पेमेंट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो मैं यहां पे इसको स्कैन करके इसका पेमेंट भी कंप्लीट कर देता हूं। यहां पे देखो दोस्तों मैंने यहां पे पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद यहां पे लिखा है योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहां पे कह रहा है कि आपका रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस में नहीं गया है, आपको कुछ समय बाद ट्राई करना है। तो आपको देखो यहां पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको बता रहा मेथड वो आपको अपनाना है। यहां पे आपको दोस्तों होम वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, उसके बाद यहां पे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहां पे देखो इस वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में जो टोकन नंबर मैंने आपको कॉपी करवाया था, जिसका मैंने फोटो खिंचवाया था, वो टोकन नंबर दोस्तों यहां पे आपको डाल देना है। और यहां पे आपको ईमेल आईडी और यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपने डिटेल्स में भरा है वो डेट ऑफ बर्थ यहां पे डाल के कैप्चा कोड डाल के यहां पे आपको नीचे सबमिट करना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से सारे डिटेल्स वगैरह मैं यहां पे डाल देता हूं। तो यहां पे देखो टोकन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहां पे डालने के बाद आपको कैप्चा कोड यहां पे डालना है और आपको यहां पे सबमिट करना है। और जैसे ही आप यहां पे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद देखो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पे देखो कुछ बॉक्स यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। और यहां पे देखो आपको क्या करना है, यहां पे कंटिन्यू आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यहां पे आपको ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन पे, उसके बाद यहां पे आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो चलो हम यहां पे इसको हम करते हैं क्लिक। अब हमारे यहां पे आधार कार्ड जो दोस्तों यहां पे वेरीफाई होगा। जैसे हम दोस्तों हम यहां पे क्लिक करेंगे, ऊपर हमारा देखो यहां पे टोकन नंबर, एप्लीकेशन नेम और यहां पे जो आधार कार्ड का नंबर यहां पे आपको शो हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पे डाल देना है। तो चलो हम यहां पे डाल देते हैं ओटीपी। और ओटीपी डालने के बाद यहां पे आपको सबमिट करना है। और जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहां पे कंटिन्यू विद ई साइन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। और जैसे ई साइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहां पे आपको डालना अपना आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। तो आधार कार्ड का नंबर हम यहां पे डाल देते हैं। ऊपर पहले आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स पे आपको टिक करना है और यहां पे टिक करने के बाद यहां पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और आपको यहां पे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद फिर से जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे फिर से एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको दोबारा से यहां पे आपको डाल देना है। एक न्यू ओटीपी जाएगा, वो आपको यहां पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहां पे आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। और जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पे देखो अब हमारे यहां पे सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये आपको पीडीएफ यहां पे आपको डाउनलोड करना है। और इस पीडीएफ का दोस्तों पासवर्ड होगा, जो भी आपका नाम का जो शुरू का चार अक्षर होगा वो आपका कैपिटल में होगा और डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों ईयर होगा आपका यहां पे, ठीक है। यहां पे स्क्रीन पे देखो कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से पासवर्ड होगा वो आप यहां पे डाल देना। उसके बाद यहां पे आप ओके करना, ये आपका जो पीडीएफ है खुल जाएगा। अब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है दोस्तों, वो जो आपका करेक्शनों के जो आपके पास आएगा वो दोस्तों देखो 15 से 20 दिन का समय लगता है। 15 से 20 दिन के अंदर जो है आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा ब्लू डार्ट के थ्रू। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है पैन कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो मिसमैच, सिग्नेचर, ये सब कुछ अपडेट करना कितना इजी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया ताकि आप इजी तरीके से आप समझ जाओ और आप खुद से कर लो। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है, इस वीडियो से अगर आपने सच में कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।